51 गेंद 69 रन 6 विकेट। आज हार्दिक ने धोनी के खिलाफ वो खतरनाक प्लान बनाया, पूरी टीम को अपने जाल में फंसाया। मैच से पहले हार्दिक के साथ हो गई थी अनहोनी, उस वक्त क्यों खुश हो रहे थे धोनी। जिसे हार्दिक ने इस मैच में दिया मौका, उसने हार्दिक को दिया बड़ा धोखा। इस मैच में वो हुआ जो इस सीजन में पहले कभी नहीं हुआ। हार्दिक भी नहीं समझ पाए खेल, चेन्नई के बल्लेबाज बना रहे थे रेल। गायकवाड़ ने बल्लेबाजी की ताबड़तोड़ गुजरात के खिलाफ बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। गुजरात के खिलाफ जिसे कोई नहीं कर पाया, आज गायकवाड़ ने करके दिखाया। जी हाँ, चेन्नई के मैदान पर जब हार्दिक ने टॉस जीता था तो धोनी निराश थे। धोनी ने साफ कहा था कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले गेंदबाजी करते, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बल्लेबाजी करने के लिए गायकवाड़ और कोनवे ने जो कमाल करके दिखाया, जिसकी उम्मीद हार्दिक को भी नहीं थी। लेकिन इस मैच से पहले हार्दिक के साथ भी एक अनहोनी हो गई। हार्दिक ने जिस पर भरोसा जताया था, उसने हार्दिक का दिल तोड़ दिया। चलिए आपको इस मैच की पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैच की कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। नंबर एक, आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की गुजरात के खिलाफ ये सबसे बेहतर ओपनिंग साझेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 87 रनों की साझेदारी करके मजबूत शुरुआत देने की कोशिश की। नंबर दो, आईपीएल के इतिहास में इस मैच में ऐसा पहली बार हुआ है कि चेन्नई के खिलाफ गुजरात के गेंदबाज पावर प्ले में कोई विकेट नहीं चटका पाए। इस मैच में चेन्नई का पहला विकेट 11वें ओवर में जाकर गिरा। नंबर तीन, इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 रन बनाए। इसके साथ ही गायकवाड़ ने गुजरात के खिलाफ लगातार 4 मैचों में 50 रन से ज्यादा बनाए। इस कारनामे के साथ ही गायकवाड़ के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। गायकवाड़ किसी भी टीम के खिलाफ लगातार 4 मैचों में 50 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। नंबर चार, इस मैच में गायकवाड़ और कोनवे ने मिलकर एक और कारनामा कर डाला। दोनों ने इस सीजन चेन्नई के लिए किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा ओपनर के तौर पर रन बनाए हैं। नंबर पाँच, किसी एक सीजन में चेन्नई के लिए 600 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोनवे शामिल हो गए हैं। चेन्नई के लिए कारनामा करने वाले कोनवे चौथे खिलाड़ी हैं। नंबर छः, इस मैच में शिवम दुबे का आईपीएल 2023 में सबसे खराब स्कोर रहा। दुबे इस मैच में केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। कुल मिलाकर इस सीजन में दुबे का यह दूसरा सिंगल डिजिट स्कोर है। नंबर सात, इस सीजन में कोनवे एक बार फिर से शमी का शिकार बने। पहले भी शमी कोनवे का विकेट चटका चुके हैं, एक बार फिर से शमी ने वही कारनामा करके दिखाया। नंबर आठ, इस मैच में एक बार फिर से हार्दिक ने खुद गेंदबाजी नहीं की और केवल 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। नंबर नौ, इस मैच में चेन्नई ने 51 गेंदों पर केवल 69 रन बनाकर 6 विकेट गंवा दिए थे। ये चेन्नई के लिए सबसे बड़ा झटका था। नंबर 10, चेन्नई की तरफ से रन बनाने वाले कोनवे के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। कोनवे इस सीजन सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको बता दें कि आज हार्दिक ने दांव चला था। हार्दिक ने आज दर्शन नालकंडे को टीम में मौका दिया था। नालकंडे ने शुरुआत में ही गायकवाड़ को आउट भी कर दिया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल रही और गायकवाड़ को जीवनदान मिल गया और फिर उन्होंने 50 ठोक दिया। लेकिन इस मैच में गुजरात के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया और चेन्नई की शानदार शुरुआत के बाद बीच के ओवर्स में लगाम लगा कर रखी और उसका असर ये हुआ कि चेन्नई कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। आपका गुजरात की इस गेंदबाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।